हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी को दबाएं लेटेस्ट न्यूज सबसे पहले देखने के लिए। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि नोटबंदी हुए पूरा एक साल हो गया है और नोटबंदी के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कंपनियों पर काले धन के खिलाफ कार्रवाई करने की बात कही थी। इसीलिए नोटबंदी के बाद कंपनियों पर काले धन को सफेद करने के मामले में बड़े पैमाने पर कार्रवाई की गई है और इस कार्रवाई में अभी तक करीबन 2.5 लाख कंपनियों को बंद कर दिया है। कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय की तरफ से एक बयान जारी किया गया है जिसमें कहा गया है कि 2.24 लाख सेल कंपनियों के पंजीकरण को रद्द किया जा चुका है जो दो या अधिक साल तक ऐसे ही पड़ी हुई थी। साथ ही कहा कि 56 बैंकों से मिली जानकारी के मुताबिक प्राथमिक जांच में यह बात सामने आई है कि नोटबंदी के बाद 35,000 कंपनियों के 58,000 बैंक खातों से 17,000 करोड़ रुपए जमा किए गए और निकाले गए थे। मंत्रालय ने यह भी जानकारी दी कि एक कंपनी का खाता 8 नवंबर 2016 सेकंड पहले तो नेगेटिव में था, मगर नोटबंदी के बाद इस कंपनी के खाते से 2,484 करोड़ रुपए जमा किए और निकाले गए। इसके अलावा सरकार ने कई कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई भी शुरू कर दी है जिसमें इनके खातों को फ्रीज कर दिया गया है और इनके द्वारा संपत्तियों के ट्रांसफर पर रोक लगा दी गई है। आपको बता दें, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 नवंबर 2016 यानी कि ठीक एक साल पहले काले धन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई का दावा करते हुए 500 और 1,000 रुपये के नोटों को बैन कर दिया था।